आज मैं बात करने वाला हूँ स्टिकी शीट्स के बारे में। जनरली स्टिकी शीट्स होती क्या है वो मैं आपको दिखा दूँ। ये स्टिकी शीट्स हैं, इसमें क्या होता है, जब हमारे पास कोई ऑर्डर आता है, कस्टमर हमें ऑर्डर देता है अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे या किसी भी अदर मार्केट प्लेस पे, हम इसको प्रिंटर में रखते हैं और प्रिंट कर लेते हैं, जिस पे प्रिंट होने के बाद कस्टमर का एड्रेस, कोरियर का एड्रेस, प्रोडक्ट की डिटेल प्लस कौन सेलर है, वो छोटी माइनर डिटेल्स होती हैं। किस तरीके से वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से मेंशन होती है, जैसे ये है यहाँ पे, ये देखिए ट्रैकिंग नंबर, कौन सा कोरियर है, कस्टमर का नेम, किस कोरियर के थ्रू है, स्टैंडर्ड है यानी कि प्रीपेड ऑर्डर है या COD ऑर्डर है, वो भी मेंशन है, और एक बारकोड, छोटा सा QR कोड होता है जहाँ पे कस्टमर का एड्रेस होता है। इन केस के कस्टमर को मतलब स्कैन करते हुए जब डिलीवरी बॉय जाता है तो स्कैन कर लेता है, एड्रेस आ जाता है, तो ये उस पर्पस से होता है। अब ये छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे पास नॉर्मल शीट है, स्टिकी शीट। अब मैं इसको, ये है मेरी शीट, ये आ गई प्रिंट आउट होके। अब हम इसको पेस्ट करेंगे अपने ऑर्डर पे जो हमने पैक करके रखा हुआ है। तो क्या उसमें कमियां आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अब। तो देखिए ये है कस्टमर का एड्रेस और ये इनवॉइस है, तो हम फिलहाल एड्रेस का चिपका के आपको दिखा देता हूँ मैं किस तरीके से। ये हमने स्टिकी निकाली और ये हमने कस्टमर का एड्रेस पेस्ट कर दिया बॉक्स पे जो हमारा पैकिंग हुआ हुआ है। ये नॉर्मल है तो मैं इसको नेम दे देता हूँ यहाँ पे नॉर्मल। अब इस नॉर्मल में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है वो हम डिस्कस करें। देखिए इसकी जो गमिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे ये है, इसको अगर कोरियर वाला बंदा चाहे तो ईजिली यहाँ से इसको निकाल के और कोई सा पेपर चिपका सकता है। तो एक तरीके से ये मेरा प्रोडक्ट सेव नहीं है, और नॉर्मली स्टिकी का यही प्रॉब्लम होती है कि इसकी जो स्टिकी है इतना पावरफुल नहीं है, अगर बॉक्स पे चिपक जाए तो वो ईजिली हट भी जाता है। सेकंड प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये प्रिंटिंग इसकी वाटरप्रूफ नहीं है, कैसे वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये अगर इसमें पानी इसमें गिरा तो ये इसकी जो प्रिंटिंग है वो ईजिली मिट जाती है। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये पूरा यहाँ से रब हो गया, तो ये एक और प्रॉब्लम है इसमें कि ये ईजिली मिट जाता है, यानी कि ये जो वाटर जो प्रिंटिंग है इसकी वाटर रेजिस्टेंट नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि ये जो प्रिंटिंग है पेपर पे वो स्मच प्रूफ नहीं है, यानी कि अगर कोई सी भी, जैसे कोरियर में आप जानती हैं कि नंबर ऑफ़ पैकेट ज़्यादा होते हैं, एक के ऊपर एक रखे रहते हैं, तो मॉइस्चर आने की वजह से ये जो इसकी प्रिंटिंग है वो मतलब इधर उधर हो सकती है। तो स्मच होने की वजह से आपका जो एड्रेस है वो इधर उधर फैल गया और जो एक्चुअल एड्रेस था कस्टमर का वो मिल ही नहीं पाया उसको, और वो रिटर्न आपके पास आ गया। तो लास्ट इसमें प्रॉब्लम जो होता है वो होता है स्क्रैचेस का, यानी कि आपने ये प्रोडक्ट शिप कर दिया, सब कुछ सही है, जब आपने कुरियर वाले को बंदे को दिया तो देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स बहुत होते हैं। अभी हो सकता है कि आपने 4-5 ऑर्डर ही दिए हों, लेकिन जब वो पैक करते हैं तो ये जब इस तरीके से शिप करते हैं तो ये स्क्रैचेस आ जाते हैं इसमें। स्क्रैचेस आने की वजह से ये जो एड्रेस होता है कस्टमर का ये रब हो जाता है यहाँ से, और सेम कंडीशन में आपके पास प्रोडक्ट रिटर्न आ जाता है और इनकम्प्लीट या रॉन्ग एड्रेस करके आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका प्रोडक्ट डिलीवर्ड नहीं हो पाया है। तो इन सब प्रॉब्लम को देखते हुए एक नया स्पेशल प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, वो है ये अमेज़ॉन अप्रूव्ड है, और इसकी क्या स्पेशलिटी है अब हम वो देखते हैं। तो अब हम इस अमेज़ॉन अप्रूव स्टिकी लेबल को इस पे पेस्ट करेंगे और देखते हैं क्या इसमें खास चीज़ है। ये मेरा प्रिंटिंग पेपर है जो मुझे कस्टमर का एड्रेस है जहाँ पे मुझे कस्टमर को शिप करना, अब ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब मैं इस पे यहाँ पे लिख देता हूँ अमेज़ॉन अप्रूव्ड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस प्रोडक्ट की स्पेशलिटी, ये वाटर रेजिस्टेंट है, तो हम इसमें वाटर डालते हैं तो ये जो है रब नहीं हुआ, तो ये सबसे पहली इसकी स्पेशलिटी हो गई, यानी कि ये जो है वाटर रेजिस्टेंट है। सेकंड स्पेशलिटी इस प्रोडक्ट की है वो है एंटी स्मज, ये जो इसमें एड्रेस है वो कस्टमर का एड्रेस स्मज नहीं होता, ये फैलता नहीं है, और यहाँ से अगर जो डिटेल जिस जगह है वो वहीं मेंशन रहती है। और थर्ड है इसमें स्क्रैच प्रूफ, ये जैसे हमने ये शिप कर दिया कस्टमर को, सॉरी कोरियर वाले को दे दिया, अब कोरियर वाले बंदे इसको शिप करते हैं तो ये इस तरीके से करते हैं तो ये स्क्रैचेस आ जाती हैं। स्क्रैचेस आने के साथ इसमें तो रब हो जाएगा एड्रेस वगैरह कस्टमर का, लेकिन इसमें जो है एड्रेस नहीं होगा और जो कस्टमर की डिटेल है वो एज सच रहेगी। जो फोर्थ स्पेशलिटी इस प्रोडक्ट की है वो है गमिंग, कि ये प्रोडक्ट एक बार इस पे बॉक्स पे चिपक गया तो ये इजीली नहीं निकलेगा, और अगर निकलेगा तो कुछ ना कुछ पार्ट इसका इसी में छूट जाएगा, यानी कि बॉक्स पे चिपका रह जाएगा। अब हम तो एक बार मैं आपको गमिंग का टेस्ट इनका दिखा देता हूँ। ये स्टिकी लेबल है जो अमेज़ॉन अप्रूव्ड है, इसको मैं पहले निकालने की कोशिश करता हूँ।
इसकी देखिए गमिंग जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ईजिली नहीं निकल रहा है, और निकल रहा है तो ये देखिए एड्रेस वगैरह कुछ ना कुछ वहाँ पे निशान छोड़ जा रहा है अपने। अब मैं इसकी नॉर्मल स्टिकी की बात करता हूँ तो देखिए ये जो है एक ही बार में फुल पेपर निकल गया है। तो थोड़ा सा अब इस प्रोडक्ट के बारे में मैं बता दूँ, ये प्रोडक्ट जो है अमेज़ॉन अप्रूव्ड है और ये नंबर वन सेलर हैं इस कैटेगरी में। ये जो स्टिकी पेपर्स आते हैं इसमें नंबर वन है और अमेज़ॉन पे है ये प्रोडक्ट, और इनकी पर्सनल वेबसाइट से भी आप परचेस कर सकते हैं। दोनों के एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप चेक कर लीजिए, जहां से आपको सस्ता पड़े आप वहां से ले सकते हैं। ये अमेज़ॉन पे ही नहीं, ये फ्लिपकार्ट पे भी ईज़िली मतलब आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, या फिर अदर मार्केट प्लेस जैसे पेटीएम स्नैपडील पे भी यूज़ कर सकते हैं।